बस हो गया, खेले तेरे लिए कॉफी बनाई। थैंक्स। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जब जिंदगी बिखरने लगती है ना मंजू, तो कुछ समझ में नहीं आता। ये सब तमाशा होने के बाद मैं खुद पहले कुकू के पास ही गई थी। उसे मिलके मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, पॉजिटिव फीलिंग होती है। लेकिन वहां भी कुछ और ही हो रहा था। क्या हो रहा था वहां? तैयारी कर रही थी जाने की। कहां पर, कहां गई है वो? यूके। यूके? वो एक्चुअली शी वाज वेरी अपसेट, बहुत डिप्रेस्ड थी। पर उसको ऐसे लग रहा है कि बिना बाप के बच्चे की माँ आप कैसे बनोगी? कल किसी ने बच्चे को कुछ कह दिया, कुछ उल्टा सीधा हो गया, तो एक तरीके से अच्छा वो समझ रही है सिचुएशन को, पर फीलिंग वेरी बैड फॉर हर। अब कह रही है कि जाके उदय को कन्विंस करेगी, उसी से मिलने गई है योगे। अब वो इतना बड़ा क्रिकेटर है, मानेगा नहीं मानेगा? आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक शी इज सो अपसेट। बस उसे एयरपोर्ट छोड़कर आई और फिर पता नहीं क्या हो गया। एक मिनट के लिए ऐसे लगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। फिर सो डिप्रेस। खान वापस आ। बस बस देख, चल पागलों जैसी बातें नहीं करते, ये सब बचपना है। हाँ ऐसी बातें तुझे शोभा नहीं देती, तू माँ है। भी सोचा है इस तरह की बातों का क्या असर होता होगा उसके दिल पे, उसके दिमाग पे? ऐसा करते हैं क्या? उस वक्त नहीं समझ आया मंजू, रवि से बात हुई। जो कुछ हो गया ना उसे भूल जा, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। हाँ अब इस तरह की बेवकूफियां बिल्कुल नहीं करनी, समझी तू? मैं तो परेशान हो गई थी, वहां कुकू की खबर नहीं थी, घर में उसका सामान नहीं, उसका सूटकेस नहीं, और फिर रोहन का फोन आता है कि क्या बताऊं मैं? सॉरी, रियली सॉरी। अच्छा ठीक है। हाँ कम से कम कुकू के बारे में सुन के सुकून मिल गया मुझे। आई वाज सो वरीड अबाउट हर। अरे उस तरह एक चिट्ठी दी थी तो चिट्ठी कौन? ओए आई थिंक इट्स इन माय पॉकेट। या ये रही। क्या लिखा है? पता नहीं, पढ़ा नहीं।